मेरे आत्मा प्रिय, प्रकृति की इस सुंदर गोद में बैठकर और हम किसकी बात करना चाहेंगे? मुझे से लगता है कि अपने ही जीवन के विषय में और अपने जो प्रिय है, उसके विषय में बात करना हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं इस संबंध में एक प्राथमिक सूचना जरूरी आप सभी लोगों को देना चाहती हूँ कि जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा है। सभी लोग सोचते अच्छी तरह से जीना चाहिए, अच्छी तरह से काम करना चाहिए, अच्छा व्यवहार रखना चाहिए और यही सब कुछ पर्याप्त है। फिर इसके अतिरिक्त तो और करने जैसा दुनिया में क्या है? एक बात स्मरण रख लेना कि एक ऐसी दीवार जिस दीवार को हम ऊपर से चित्रों से रंग देते हैं, कलर से रंग देते हैं, और एक ऐसी प्रकृति जो स्वयं जल से रंग लेकर के फूलों से, फलों से, हरी दिमा से अपने आप को सजा देती है। तो जिस कलर से रंगी हुई दीवार और प्रकृति जल से लेकर के जो हरी भरी सुंदर होती है, उसमें अंतर है, बहुत अंतर, बहुत अंतर। क्या अंतर है इसमें और उसमें? उसका सौंदर्य अपना खुद का है और दीवार का सौंदर्य किसी और ने हुआ है। बस इतना ही अंतर है। अध्यात्म की, परमात्मा के साथ में, प्रेम के साथ में जो जीवन जिया जाता है, वो प्रकृति से दी हुई सुंदरता से उसकी अभिव्यक्ति है। वो सुंदरता की अभिव्यक्ति है जो हमारी अपनी है। और एक किसी ने कहा है, समाज की मान्यता है, गुरुजनों ने सिखाया है, किताबों से पढ़ा, इसलिए हम अच्छे। और एक अच्छी वो है जो अच्छाई कहाँ से आ रही है? अपने भीतर से आ रही है। उस अच्छाई की आवश्यकता है परमात्मा के प्रेम की, भक्ति की, पूजा की, आराधना की। तो मैं प्रियंका जी से कहूँगी कि उन्होंने बहुत जगह कार्यक्रमों को भक्ति के रंग से रंग दिया है। और ये केवल शब्द नहीं होते। आपने सुना होगा कि जिस समय समोषण होता था तो समोषण में क्या होता था? भगवान की प्रवचन के पहले क्या होता था? दंतों की वर्षा है, पुष्प वृष्टि है, अष्ट महापाती देवदंतु भी है, देवदंतु भी है। वह ध्वनि, वह दिव्य ध्वनि, ये म्यूजिक क्या है? तो देवध्वनि का ही, दिव्य ध्वनि का ही वह एक रूप है। तो मैं आप सभी लोगों से कहूँगी कि जरूर तालियां बजाइए, तालियां बजाइए और प्रियंका जी के सम्मान में उनके गीतों के साथ में अपने स्वर भी मिलाइए और शांत प्रकृति के इस दिव्य वातावरण में उस समय थोड़ा सा भक्ति के रंग में रंग जाए। और एक तरह से ये एक ऐसा परिवार है कि प्रियंका जी आपके सामने हैं और इनके पिछले कार्यक्रम में जय को आप मिले हैं, तो जय अभी अमेरिका में
साध्वी संघ मित्रा जी के साथ में बस पालीतारा के प्रोजेक्ट के लिए भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो एक ऐसा परिवार है जिस परिवार के मतलब एक एक व्यक्ति इतने श्रद्धा से भाव के साथ में विराजमान के साथ में जुड़े हुए हैं। और जब एक नए लोग जुड़ जाते हैं तो एक नई ताकत पैदा होती है, नई ताकत पैदा होती है तो नए कार्यक्षेत्र भी खुलते रहते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ बच्चे पिछली बार भी आए थे, उनके आए थे और भी आए थे और सब बच्चे फिर से उसी भाव के साथ में जुड़े हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तमाम उपस्थित सभी लोगों को मैं प्रेम से स्वागत करती हूँ। और जो भी समय है उस समय का हम अच्छा से अच्छा उत्साह के साथ में उसका लाभ उठाएंगे। प्रेम जी किसी की भी आवाज नहीं आई। खाना खाया ना अभी? जय जिनेंद्र। वैसे बोलना मेरा विषय नहीं है, गाना थोड़ा बहुत आता है तो भी मैं कोशिश करूँगी। और यहाँ उपस्थित आचार्य श्री जी के चरणों में वंदन और सभी साथियों के चरणों में वंदन करके इस भक्ति संध्या की शुरुआत करते हैं। मैं चाहूँगी आप भी मुझे इसमें साथ दें। ॐ नमो हरिहन्ताय, ॐ नमो हरिहन्ताय, ॐ नमो सिद्धाय, नवकार मंत्र गा रहे तो नवकार मंत्र तो जोर से ही अच्छे से आना चाहिए।
कोई दूसरी जिम्मेवारी अपने पर नहीं है, न व्यवसाय की है, न कहीं जाने की है, न ही घर की है, न कोई रसोई की है, कुछ भी निश्चिंत बैठे। ऐसा निश्चिंत समय जीवन में बहुत सौभाग्य से प्राप्त होता है। इस समय का बहुत प्रसन्नता के साथ में बस हम अपना उपयोग कर लेना चाहते। मैं कल ही घर से आई हूँ। कच्छ का वातावरण ऐसा देखा जाए सुना है, सूखा है, पानी की एक एक बूंद के लिए किसान की आंखें आसमान की तरफ है, पेड़ सूख रहे हैं और पशुओं को खाने का कहीं कहीं कोई घास हरा धरती पर दिखाई नहीं देता। इंसान भी कोशिश करता है किसी तरह से, लेकिन इस प्रकृति के अभाव भंडार को प्रकृति ही भर सकती है। इंसान बहुत अपने आप को कितना भी शक्तिशाली समझे, लेकिन सबसे कमजोर प्राणी अगर कोई है तो इंसान। क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। हजारों पशु कतर खाने में जा रहे हैं, आंखों के समक्ष जा रहे हैं और कहीं प्रकृति का एक विलक्षण रूप है कि बॉम्बे से निकली चौधारा जैसे आसमान पूरी तरह से यहीं पे बरस जाना चाहता हूँ और ये पानी सारा बंकर के कहा जा रहा है, अधिकांश में पानी कहाँ जा रहा है? समुद्र में खारा पानी बनने की चीज़ है।
एक तरफ में बहुत सुखी हरी सुखी धरती हरी होने के लिए पानी की तरफ से देख लिया और एक तरफ में पानी क्या जा रहा है समुद्र में खड़ा कुछ नहीं कर सकता इंसान कुछ नहीं कर सकता। और ऐसे समय में हम ऐसे चारों तरफ में हरियाली चारों तरफ में पक्षियों का हलचल है चारों तरफ से प्रसन्न है सब कुछ और इस प्रसन्नता में इस अनेक अनगिनत लोगों की अनेक पीड़ाओं के बीच में आंसुओं के बीच में हम प्रसन्नता से बैठे सौभाग्यशाली है आप। ऐसे समय में हम क्या चाहेंगे हम क्या चाहेंगे हम केवल प्रसन्न रहना चाहेंगे कि कहीं प्रसन्नता बांटना भी चाहेंगे बस जो आसमान है उसके पास बादल है पानी है वो क्या सोचता है अपने पास रखना चाहता है ये क्या करना चाहता है बस बांट देना चाहता है जुटा देना चाहता है बरस जाना चाहता है धरती को सरसा देना चाहता है। बस हम भी क्या है प्रसन्नता से जुड़े हुए हैं तो हम अपनी प्रसन्नता को क्या कर देना चाहते हैं बस बांट देना चाहते हैं। और उस प्रसन्नता को बांटने का उपाय क्या है कौन सा मार्ग है चूंकि मैंने पहले कहा कि मनुष्य की सीमाएं हैं समय की सीमाएं हैं शरीर की सीमाएं हैं साधनों की सीमाएं हैं हर तरह से लिमिटेशंस है और जहाँ दिया जा सकता है वो कहाँ है किनारा नहीं है उनका उनके किनारा नहीं है हजारों हजारों पशु हजारों हजारों पशु कुछ नहीं कर सकते बस प्रार्थना के सीमा और अपने पास में जो हो सकता है कर लेते हैं लेकिन फिर भी मौका होता हम निश्चित रूप से पूरी धरती की प्यास को हम बुझा नहीं सकते पर किसी के गले में हम क्या कर सकते हैं थोड़ा सा हम पूरी आँख को बुझा नहीं सकते लेकिन जो भी कुछ हो सकता है उतना हम कर सकते हैं। बस प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिंदगी में इतना ही सोच ले कि हम अपनी जिंदगी में आग लगाना हम आग क्या है हम आग बुझाने वाले हैं हम आग लगाना क्या चाहें हम बाग लगाने वाले हैं हम आग लगाना क्या चाहें हम बाग लगाने वाले हैं तो हम आग लगाना हम क्या चाहें जिंदगी में बस इतना ही सीख ले कि जहाँ नहीं हो सकता है इस सारी धरती को हम हरा भरा ना कर सकें पर अपनी जिंदगी में कहीं कोई मौका मिल जाए छोटा मोटा भी मौका मिल जाए तो उस जगह पे हम क्या करते अपनी तरफ से ज़रूर ज़रूर कहीं पर भी सबसे पहली बात है कि हम अपनी ज़िंदगी को दुखी ना करें अपने जीवन को किसी प्रकार से परेशान ना करें अपने जीवन को व्यतीत ना करें अपने आँखों में आंसू ना आए इसका सबसे पहले प्रयत्न जो स्वयं दुखी होता है वो तो दुनिया को जानते हैं आत्महत्या लोग जो करते हैं वो क्यों करते हैं आत्महत्या करने वाले इसलिए करते हैं वो दुनिया को मार नहीं सकते इसलिए खुद को मर खत्म कर देना चाहते हैं। कमज़ोर है वो व्यक्ति कि दुनिया के लिए कुछ खड़ा नहीं हो सकता और दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकता कर इसलिए उस मन को ही मिला देता है। बस हम यह कोशिश करें सबसे पहले कि हम दुखी होना बस सबसे पहले हम दुखी ना हो हमारे आँख में आंसू ना आए और अगर आंसू आए भी तो किसके लिए आए जानते हैं किसके आँखें में आंसू आए थे कौन रोया था जिसके आंसू अमर हो गए जानते हैं कौन महावीर के युग की घटना है भूल नहीं पाएंगे भूल नहीं पाएंगे उन्हें हम भूल नहीं पाएंगे और वो ऐसे ही कुछ व्यक्ति हैं
जिनके अस्तित्व के कारण, जिनके होने से हमारी जिंदगी में सुगंध रहता है, वो चंदना, वो आए हैं एक सौभाग्य से कि वे कुछ उसके पास अपना भोजन है, सोचती है कि मैं अपने भोजन का कोई अंश किसी को दूं, फिर मैं खाऊं। 3 दिन उसने खाया नहीं है, उसके बाद मैं भी प्रतीक्षा करती कि मेरे खाने के पहले कोई आ जाए, और देखा कि आए हैं तो उसके मन की खुशी भर गया, मुस्कुरा, भीतर से मुस्कुरा रही। और जब महावीर लौट जाते हैं तो आंसू क्यों आए हैं, उसको भोजन नहीं मिला इसके लिए वो नहीं रोई है, लेकिन मेरे द्वार से कोई अतिथि यूं ही चला जाए, मेरे द्वार से कोई व्यक्ति ऐसा ही बिना भोजन लिए चला जाए, उसके मन की व्यथा है और रो पड़ी है। बस मैं अपने यहाँ उपस्थित उन तमाम लोगों से कहना चाहती हूँ कि हम छोटे हैं बड़े हैं कुछ हैं, आंसू आए भी तो किसी अच्छे काम के न होने के कारण हमारी आंखें अगर गिली हो भी जाए तो आंखें गिली होना हमारी जिंदगी के सुख को और हरा कर देगी, लेकिन अपने लिए या किसी को रुलाया है तो वो भी क्या है। बस आज आज सबसे पहले एक छोटी सी बात का भी अगर हम स्मरण रख लें कि हमारे पारिवारिक जीवन की सबसे बड़ी व्यथा क्या है, सबसे बड़ी व्यथा क्या है, छोटे भी परेशान हैं और बड़े भी, आपके परिवार में तो नहीं है ना, आपके परिवार में तो ऐसा नहीं है, छोटे भी परेशान और छोटे बड़ों से परेशान और बड़े छोटे से परेशान। मैंने आज एक कविता लिखी है, मैं प्रियंका जैसे कॉमेडी उसे वॉल्यूम दे रहे, अब तक जो गीत लिखे जाते थे और प्रभु भक्ति के गीत लिखे जाते थे और कभी गुरु भक्ति के गीत लिखे जाते थे, थोड़ा सा बदल देने की जरूरत है, अब शिष्य भक्ति के लिए गीत लिखे जाने चाहिए, पुत्र भक्ति के लिए गीत लिखे जाने चाहिए। स्थितियाँ ऐसी बन चुकी है, ऐसी स्थितियाँ बन चुकी हैं कि अब गुरु को किसकी भक्ति करनी है, शिष्यों की भक्ति करो, बस सुखी से रहना है तो शिष्यों की कुछ भी हो जाए उसकी तारीफ करो, और थोड़ी सी भी गलती हो जाए और उसे कह दो कि ये तुम्हारी गलती हो गई है, अध्यापक भी कहे, गुरु भी कहे, बड़े भी कहे, सब आ जाते हैं गुरु में, केवल गुरु ही नहीं लेकिन सभी जो गुरुजन हैं, जो बड़े लोग हैं, आज वे जब तक आपकी तारीफ करते हैं, आपके सिर पर हाथ देते हैं, उनके लिए बड़े आप महान हैं, लेकिन जहाँ कहीं आपने किसी की गलती की तरफ इशारा कर दिया, क्या हो गया, तो अब तो गुरु को शांति से सुख से जीना है, बड़ों को सुख से शांति से जीना है, तो क्या करना होगा, शिष्यों को भी खुश रखो, पुत्रों को खुश रखो, पुत्रियों को खुश रखो, उनको नाराज मत करो, तो घर में बच्चों को पूछो ठीक रहेगा, अगर बड़े कुछ ना कहें, जितने भी छोटे हैं सब मैं छोटे से पूछती हूँ कि अगर बड़े आपको आपसे नाराज ना हो जाए, बड़े आपकी गलती को ना बताएं, तो बच्चे सब खुश रहेंगे, थोड़े हाथ बड़े ऊँचे कर दो तो छोटे जितने भी हाथ ऊँचे कर दो तो कि खुश रहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, कौन बताएगा गलती को, अभी गलतियाँ ही अगर बचपन से ही अगर अपने साथ में जुड़ती गई जुड़ती गई जुड़ती गई तो क्या होगा उन गलतियों का, क्या होगा, क्या होगा, वे गलतियाँ निकल जाएंगी, गलतियाँ जुड़ती जाएंगी, गलतियाँ जुड़ती जाएंगी, और परिणाम ये होगा कि बड़े होने के बाद में वही बच्चे कहेंगे
कि अगर मेरी माँ ने मेरे गुरु ने मेरी गलती सुधार दी होती तो आज मैं इस प्रकार से ना होता या इस प्रकार से मेरी जिंदगी ना होती। हम जरूर कहेंगे कि नहीं कहेंगे, तो फिर कहना बड़े प्रेम से कहते हैं, सम्मान से कहते हैं। पता नहीं हमारा वार्तालाप परस्पर का जो रिलेशन है वो इतना वीक, इतना कमजोर हो गया है कि एक छोटा सा शब्द ही उसको तोड़ करके क्या कर देता है, उसको तोड़ करके इतने कच्चे संबंध, इतने कच्चे रिलेशन, इतने छोटे छोटे शब्द के आधार पर ही हम जैसे कि बस घर छोड़ करके चले जाए, घर में साथ में रहने का कोई मतलब नहीं है, ये परिवार है कि ये एक तकरार की जगह है, युद्ध भूमि है कि प्रेम की भूमि है, समझ में नहीं आता। मुझे ऐसे लगता है कि हम लोगों की जो समझदारी की गहराइयाँ हैं उन गहराइयों को हमें तभी मजबूत कर सकेंगे जब हमारी भक्ति की मजबूती, उस परमात्मा की मजबूती, उस ईश्वर के प्रति आस्था और उस दिव्यता के प्रति हमारी आस्था सुरक्षित होगी, तभी हमारे पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे। आज परिवार जो टूट रहे हैं, आज परिवार में एक दूसरे के विषय में जो दूरियां बढ़ रही है, उसका कारण हमारी आध्यात्मिक नींव क्या हो रही है, कमजोर हो रही है, कच्ची हो रही है, वीक हो रही है, इसलिए हमारे ऊपर के रिलेशन भी कमजोर हो रहे हैं। हमें यह समझना बिल्कुल बिल्कुल हमें अच्छी तरह से समझना होगा, इसके बिना हमारे जीवन में गहराई नहीं आ सकती। मैं आप सब लोगों को अच्छा लगता है कैसे लगता है, मैं कहूँगी कि भक्ति का एक सुंदर गीत आपके सामने कहेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले एक बात पक्का पक्का लिख करके आप रख दीजिए अपनी जिंदगी में कि हमारे रिलेशन कैसे होने चाहिए। किसी शब्द से किसी ने अगर कल्पना करो कि बड़ों को भी शक्ति से करना चाहिए, पर दो बार कहेंगे तीन बार कहेंगे, जब बार बार कहना होता इरिटेशन हो जाता है, बड़ों की उम्र बढ़ जाती है, सहनशीलताएँ कमजोर होती है, शारीरिक शक्तियाँ कमजोर हो जाती, इससे उनके शब्दों में तपन आ जाती है। बड़ों को छोटों को भी ये समझना चाहिए कि इन्होंने इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं, इतना बड़ा जीवन इन्होंने संभाला है, संभाला है, तो इनके प्रति सम्मान का भाव हमारे मन में होना चाहिए। तो मैं बच्चों से भी कहूँगी कि परिवार में ये बात समझानी बहुत जरूरी है, और इसी तरह से मैं बड़ों से भी कहूँगी अगर छोटों से कभी भूल हो भी जाए, छोटों से भूल, आप छोटे थे भूल करते थे कि नहीं करते थे कि नहीं, छोटे थे तो भूल करते थे कि नहीं, भूल ये बिना बचपन जाता ही नहीं, पूछता ही नहीं, मुझे पूछो बचपन, मैं घोर नदी में रही हूँ, अमर पाथरणी में रही हूँ, इसी जगह रही, ये नजदीक में गाँव है, इसी जगह रही, मैं भी अपने बचपन की गलतियाँ कब नहीं करते, बच्चे हैं उनके पास समझ कम होती है, वो भूल करके ही बड़े होते हैं, लेकिन उस भूल का दंड किसको कितना देना चाहिए उसका अनुपात बड़ों को भी रखना चाहिए, इससे अनावश्यक उन बच्चों के मन में बड़ों के प्रति सम्मान न टूटे, इसका ध्यान रखना उतना ही जरूरी है। तो दोनों ही तरफ से मैं दुनिया के प्रेम, विश्व शांति की बात और विश्व में शस्त्रास्त्र नो उसकी चर्चा मैं आपसे नहीं करूँ, हमारे छोटे से दो चार पांच व्यक्ति परिवार में कितने व्यक्ति हैं, बस छोटे से परिवार हो गए, न्यूक्लियर फैमिली बनती जा रही है, छोटे से छोटे परिवार बनते जा रहे हैं। मैं अभी कुछ समय पहले अमेरिका में थी तो एक छोटे बच्चे से पूछा कि तुम्हारे ये कौन है, ये कौन है, ये मम्मी है, पापा है, ये घर किसका है, ये मम्मी पापा का घर है, और छोटा बच्चा कहता है ये मम्मी का पापा का घर है, क्या तुम्हारा घर ये मेरा घर, तो जब मैं बड़ा बनूंगा पैसे कमाऊंगा जब तक वो मेरा घर बनेगा, ये मेरा घर नहीं, ये मम्मी पापा का घर है। बच्चों में ये स्थितियाँ हैं,
बच्चों के मन में अपने माँ बाप के प्रति, उनके साथियों के प्रति इतनी दूरी, तो क्या उसका लगाव हो सकता है? तो ये आत्मीयता का एक बहुत बड़ा आधार हमारे संबंधों की गहराई, उस धार्मिकता की गहराई के में भी जुड़ सकती है। इसलिए अनुष्ठान आवश्यक है, इसलिए भक्ति आवश्यक है, इसलिए प्रार्थना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थना हमारे जीवन को और गहराई और मजबूती देती है। इसलिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बस आंसू बहा देने के लिए आके हम भी नहीं कर सके उस प्रभु के प्यार में। गौतम भी रोए जानते नहीं कब रोए, गौतम भी रोए, गौतम जैसा महासंत, महासंत सामान्य नहीं है। गौतम महावीर के जीवन का इतना निकट का व्यक्ति और ऐसा वो शिष्य, जिस शिष्य को मुझे तो बहुत बार लगता है कि एक शिष्य नहीं है, गौतम है, सुधर्मा है, मंडित पुत्र है, मंडित पुत्र है, जाने कितने कितने शिष्य हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को कहा होगा कि अरे तुम्हें समझ में भी आता है, अब तो तुम्हारी उम्र का तकाजा आ गया है कि थोड़ी समझ कर कि तुमने सुनना कम हो गया है, दिखाई देना कम हो गया है, तो अब तो समझ, ऐसा शायद किसी और को कहा होगा। लेकिन इतनी डांट के बाद भी इसे डांट ही कहेंगे, उसे प्रेम तो नहीं कहेंगे कि अब तो तुम बूढ़े हो, चले हो, अब तो तुम्हारा शरीर कमजोर हो चुका है और अभी भी तुम नहीं समझोगे तो कब समझोगे? हाँ, ये डांट ही है, सामान्य बात नहीं है, सामान्य बात नहीं है। लेकिन इसके बाद में भी कभी भी कोई मौका दिखा है और गौतम महावीर के पास में, इस महावीर के पास में, और जब महावीर का निर्वाण हो गया है तो गौतम चौधारा रोए हैं, बहाए हैं आंसू, गौतम ने बहाए हैं और वे आंसू अमर हो गए हैं। और जब गौतम से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, महावीर चाहिए कि ज्ञान चाहिए, तो गौतम ने कह दिया नहीं चाहिए ज्ञान, नहीं चाहिए निर्वाण, नहीं चाहिए मोक्ष, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो महावीर चाहिए। इतना बड़ा भक्ति का, समर्पण का, आदर का, और जिसे आपकी भाषा में राग का, वो है। और महावीर बस उसी राग के साथ में ही, उनके आंखों के आंसू में ही उनका सारा विकृतियाँ धोती है, और आंसुओं में विकृतियों को धोने की बहुत बड़ी क्षमता है। पश्चाताप के दो आंसू भी हमारी जिंदगी में अपनी गलतियों के लिए आ जाए तो हमारी गलतियों को साफ करने का इससे बड़ा और कोई उपक्रम हो नहीं सकता है।